देवास के बागली नगर परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव संपन्न हुए, जहां बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के चुनाव जीतने के बाद अचानक विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे और कुछ कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री दीपक जोशी के खिलाफ हाय हाय की नारेबाजी करने लगे। मामले का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर दीपक जोशी हाय हाय नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बाद में विधायक कन्नौजे कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। दरअसल यहां बीजेपी ने कमल यादव को अध्यक्ष पद के लिए अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया था, वहीं बीजेपी ने अमूल राठौर भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गए थे। विधायक व उनके समर्थकों को यह शक था कि पूर्व मंत्री ने ही निर्दलीय प्रत्याशी राठौर को चुनाव लड़ाया था, जिसे लेकर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए विधायक व उनके समर्थकों ने पूर्व मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं मामले में पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि मुझे चुनाव में इस बार कोई जवाबदारी नहीं दी गई थी, इसलिए मैं ना प्रचार करने गया था और ना ही कैंडिडेट सिलेक्शन में मैंने किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया है। कार्यकर्ताओं को कुछ गलत फहमियाँ हुई हैं कि मैंने निर्दलीय प्रत्याशी अमूल राठौर को समर्थन किया है। मैं पार्टी स्तर पर उनसे चर्चा कर उनकी भ्रांतियाँ दूर करने को है।